कैसे हैं दोस्तों, आपने टाइगर के बारे में तो सुना ही होगा जो कि काफी खतरनाक जानवर माना जाता है। और वह शिकार करता है तो सीधे गर्दन पर हमला करता है। यह जानवर की गर्दन को जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह अपनी सांस ना तोड़ दे। और दोस्तों तेंदुआ जो कि घात लगाकर हमला करते हैं और वह सीधा किसी भी जानवर की गर्दन पर हमला करते हैं। यहाँ पर भी एक तेंदुआ मगरमच्छ के पीछे घात लगाकर हमला करता है और सीधे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और एक सुरक्षित स्थान पर लेकर यह किसी भी जानवर को खाते हैं। ये हैं अफ्रीका का एक खूंखार जानवर जिसे लकड़बग्गे के नाम से जाना जाता है, आपको तो पता ही होगा। यह अफ्रीका में रहने वाले काफी खतरनाक जानवर माने जाते हैं। ये हैं अफ्रीका के जंगली कुत्ते जो कि झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत डबल हो जाती है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े शिकारी को खदेड़ सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं। और दोस्तों यह ज्यादातर झुंडों में ही रहते हैं। इनके झुंडों में 30 से 45 तक कुत्ते हो सकते हैं जो कि काफी खतरनाक साबित होते हैं और किसी दूसरे का शिकार आसानी से चुरा भी सकते हैं और उसे फाड़ भी सकते हैं। यह इतने खतरनाक होते हैं और एक दूसरे से छीनकर किसी भी जानवर को खाते हैं। यह है दोस्तों अभी बताया था लकड़बग्घा जो कि ज्यादातर शेरों से भी बढ़ जाती है किसी का शिकार चुराने के लिए। और दोस्तों यह अफ्रीकी जंगली कुत्ते काफी खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं। और दोस्तों यह हिप्पो यह समझ रहा है कि यह उसे हमला कर रहे हैं लेकिन यह इस हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब हिप्पो को पता चलता है कि यह उस पर हमला कर रहे हैं तो वह इस हिरण के बच्चे को मुंह से गलती में पकड़कर खदेड़ देता है और वह वहां पर घायल होता है। फिर बाद में यह जंगली कुत्ते उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। यह कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। यह है दोस्तों जंगली भैंस जो कि एक शेरनी ने पीछे से उसे पकड़ रखा है, उस पर वह हमला कर रही है। दोस्तों इन शेर के झुंडों में ज्यादातर शेरनियां ही किसी भी जानवर पर हमला करती हैं और जो शेर होते हैं वह बैठकर खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं करते, लेकिन वह उनके जो बच्चे होते हैं उनका झुंड होता है वह उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन ज्यादातर शेरनियां ही शिकार करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेरनी ने इस भैंस को नीचे दबोच लिया है और शेर वहां पर आ जाता है और उसे गर्दन पर दबोच लेता है। और वह दोस्तों जब तक दबोचते हैं जब तक कि यह जानवर अपनी दम नहीं तोड़ देता है। यह दोस्तों जंगल का राजा भी माना जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। जंगलों में दोस्तों ऐसा ही होता है, यह जानवर किसी भी छोटे जानवर का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं और उसे मार देते हैं।
या अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। यह है दोस्तों हिप्पोस। दरियाई घोड़ा का एक बच्चा है जो कि इस मार्गमच्छ ने उसे नीचे की ओर दबोच लिया जो उसे मार देता है। लेकिन बाद में जो हिप्पोस का झुंड होता है तो वह उसे मगरमच्छ को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हिप्पोस का झुंड इस मगरमच्छ को काफी बेहतरीन तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मार भी देते हैं। तो दोस्तों किसी का भी झुंड हो जंगल में या पानी में उसके आगे किसी की नहीं चलती है और ज़्यादातर झुंडों में झुंड की जीत होती है और दोस्तों वह इस मगरमच्छ को मार देते हैं। तो दोस्तों यह झुंडों में इनके झुंडों में 15 से 20 तक जानवर होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।